हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे बीके स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह से डेबिट कार्ड को ऑर्डर करना है एयरटेल पेमेंट बैंक का। जैसा कि आपको पता है, पेटीएम एप्लीकेशन का डेबिट कार्ड आप ऑर्डर कर सकते हो, उसको घर पे ला सकते हो और उसके बाद आप इसको एटीएम पर भी यूज कर सकते हो और पैसे को निकाल सकते हो। तो इस तरह से ही एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन ने भी एयरटेल पेमेंट बैंक को लॉन्च किया था और एयरटेल पेमेंट बैंक में भी एक नया ऑप्शन आ चुका है जहाँ से आप डेबिट कार्ड को ऑर्डर कर सकते हो और अपने घर के पते पे मंगवा सकते हो। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह से डेबिट कार्ड को ऑर्डर करना है। आज की इस वीडियो पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जैसा कि डेबिट कार्ड को ऑर्डर कितने रुपए में आपको करना पड़ेगा और हर साल कितने रुपये आपको पे करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड का चार्ज कितना है, मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और कितने रुपये आप निकाल सकते हो इस वाली डेबिट कार्ड से एक दिन में, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो पर आपको दूंगा। तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको किस तरह से एयरटेल पेमेंट बैंक का डेबिट कार्ड को ऑर्डर करना, मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ आपको इसमें कितना क्या चार्ज लगने वाला है। सबसे पहले मैं डेबिट कार्ड में आपको जाऊँगा, इधर पर मैं आपको बता देता हूँ मेरे डेबिट कार्ड में जाके, एंड आप भी इधर से चेक कर पाओगे कितने रुपये का चार्ज आपको लगने वाला है और आपको जो एक साल कितना रुपये इसमें चार्ज देना पड़ेगा। ऑर्डर चार्ज अलग है और साल का चार्ज अलग है, तो मैं आपको सब पूरी की पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। देख सकते हो इधर पर हमारा डेबिट कार्ड हमको देखने के लिए मिल जाता है। अब इधर पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ, जैसा कि आप देख सकते हो 349 रुपये आपको पे करना पड़ेगा तभी आप इस वाले डेबिट कार्ड को ऑर्डर कर पाओगे। और ऑर्डर करने के बाद इधर पर आपको पूरी की पूरी डिटेल इधर पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप इस वाली डिटेल को पढ़ सकते हो। आप इधर पर एटीएम से 25,000 रुपये निकाल सकते हो एक दिन में, इधर पर लिखा हुआ जैसा कि आप देख सकते हो इस वाले डेबिट कार्ड से। एंड गाइस, आपको हर साल कितना रुपए चार्ज देना पड़ेगा तो मैं आपको बता दूं, 199 रुपए आपको हर साल चार्ज देना पड़ेगा इस वाले डेबिट कार्ड का। जैसा कि आप पेटीएम एप्लीकेशन के डेबिट कार्ड को यूज करते हो तो आपको उसमें 100 रुपए हर साल चार्ज देना पड़ता है, हर एक साल में चार्ज लगता है, तो आपको इधर पर हर डेबिट कार्ड में अलग अलग चार्ज देना पड़ता है। तो पेटीएम में 100 रुपए लगता है एक साल का चार्ज और इसमें लगता है आपका 199 रुपीज़। और इधर पर आपको एक अलग से पे करना पड़ेगा इसको ऑर्डर करने के लिए 349 रुपीस। तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको किस तरह से आपको इस वाले डेबिट कार्ड को ऑर्डर करना है। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करिएगा प्लीज, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक लाइक कर देना, एक लाइक करने से अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। तो देखो यार गाइस, सबसे पहले मैं एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लेता हूँ, अगर नहीं है आपके पास तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोफाइल वाला, तो क्लिक कर देना। और प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद बैंक प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। और जैसे आप बैंक प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, इधर पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और जैसे आप डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। एंड इधर पर आपको डिटेल वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और इधर पर आपको आपका एड्रेस देखने के लिए मिलेगा, तो आपको दो एड्रेस देखने के लिए मिल जाता है। पहला आधार कार्ड वाला एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आप इस पर टिक करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उस वाले एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड इधर पर आपके तक पहुँच जाएगा। इधर पर आपको एक और एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, तो मैं इधर पर आधार कार्ड वाले पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो आधार कार्ड में एड्रेस है मैं उधर पे ही रहता हूँ, इसलिए मैं आधार कार्ड वाले एड्रेस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको इधर पर टिक कर देना है। जैसे आप इधर पर टिक कर देते हो तो आपके सामने इधर पर सिंपल से इधर पर आपको टिक करना पड़ेगा। तो गाइस, इधर पर मैं जो है टिक कर देता हूँ। तो जैसे आप टिक कर दोगे तो आपको पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना 349 रुपीज़ पे। एंड जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। इधर पर आपका एम पिन मांगा जाएगा और इधर पर आपको सिंपल सा अपना बैलेंस को ऐड कर लेना, तो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको 349 रुपीज़ रहना चाहिए तभी आप ऑर्डर कर पाओगे। तो अभी मेरे में 349 रुपीज़ नहीं है क्योंकि मेरा बैलेंस 00 है, तो बस आपको 349 रुपीज़ रहना चाहिए और उसके बाद आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक का एम पिन है वो आपको दे देना है। और एड एम पिन वाले देखने
देने के बाद आपको पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और आपका डेबिट कार्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो इधर से आप ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि अभी मुझे ऑर्डर नहीं करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल बना तो सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।